मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पल्सर यूजी 3 की टेल लाइट। टेल लाइट जो है हमारा मिंडा कंपनी की है ये, और जेनुइन भी आती है। जेनुइन 700 रुपए की है, मिंडा में दिखाएंगे आपको कितने की है। और वैसे तो 100% जेनुइन ही है, मिंडा ही जेनुइन आता है। इसके ऊपर मैंने और भी वीडियो बना रखी है मिंडा के ऊपर काफी सारी। तो आज आपको बैकलाइट की दिखाते हैं UG3। बेसिकली जितने भी पल्सर के डिजिटल मीटर हैं सबकी बैकलाइट सेम है, जितनी भी मतलब DTSI सीरीज है, UG3, UG4, UG5 जितनी भी आई है सबकी बैकलाइट सेम बनाई है। तो ये पल्सर 220 में भी लग जाएगी, 180 में भी लग जाएगी, 220 F, S, 150 UG3, UG4, UG5, एक पल्सर 125 सब में लगेगी। तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी MRP। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है टेल लैंप पल्सर, और MRP है सिर्फ 605 रुपये, पूरा 100 रुपये सस्ती है बजाज जेनुइन से, उसकी 700 रुपये MRP है। तो इसकी ये जो है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2021। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसकी डिटेल्स कि इसके ऊपर क्या फिनिशिंग है और कैसी ये है, सब कुछ देखेंगे। तो ये हमारा टेल लाइट आ गई बाहर, फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखिए टेल लाइट हमारा बाहर आ चुकी है, फॉर्म से इसे पैक किया हुआ है। अब ये फॉर्म यहाँ पे क्यों लगाई है, रीज़न है ये जो छोटे छोटे से नक्के होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, ज़्यादातर तो टेल लाइट कभी खराब ही नहीं होती पल्सर की। आज तक मैंने पल्सर की टेल लाइट खराब होते तो नहीं देखी, बट हाँ टूटते हुए जरूर देखी। ये सारे नक्के टूट के बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, टेल लाइट अंदर बाहर अपने आप ही हिलने लगती है और वो चेंज होने का रीज़न हो जाता है। मतलब ये चेंज होने की टेल लाइट जो है ये रीज़न है कि ये नक्के इसके टूट जाते हैं, खराब नहीं होती। डिजिटल टेल लैंप है तो जल्दी से खराब होता नहीं है, क्वालिटी कह सकते हो मजबूत बहुत ज़्यादा, या फिर ये कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी टेल लाइट की असेंबली बनाई है कंपनी ने डिजिटल, जो कि खराब ही नहीं होती है। अब क्या बोलूँ मैं, सच में ही नहीं खराब होती। ये हमारा यूनो मिंडा कंपनी का, देखो यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने मेंशन किया हुआ है टेल लाइट के ऊपर यूनो मिंडा, मिंडा कंपनी की है। यहाँ पे कुछ कोडिंग है और ये बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है हाउसिंग ABS लेंस, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर ABS कंपनी की प्लास्टिक यूज़ की गई है जो कि जेनुइन पार्ट्स में यूज़ करी जाती है। जेनुइन मरगार्ड वाइजर में भी ABS की प्लास्टिक यूज़ होती है, और टेल लाइट का जो है ये हिस्सा हमें दिखता नहीं है, सिर्फ ये इतना हिस्सा ही दिखेगा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, और इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे चार नक्के हैं, 1, 2, 3, 4, ये देख रहे हैं, एक येरा, एक येरा और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये चारों नक्के हैं। और टेल लाइट जो है हमारी डिजिटल है, तो अभी हम इसे बस यही था अभी तक के लिए अनबॉक्सिंग। तो भाइयों ये वीडियो जैसी भी लगे लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।